हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वेन आई एस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में आपसे कहा था कि अगला जो वीडियो होगा वो होगा चीफ सेक्रेटरी के ऊपर, तो आज का जो सेशन होने वाला है अपना वो चीफ सेक्रेटरी के बारे में है। हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उन्हीं डायमेंशंस को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग करते हैं, ये देख लें कि चीफ सेक्रेटरी से संबंधित क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, कौन कौन से डायमेंशंस कवर होने चाहिए। तो देखिए, पहला डायमेंशन क्या है, इसका पोजीशन या इसका इंट्रोडक्शन। चीफ सेक्रेटरी के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है, ये कौन होता है, क्या है ये पोस्ट। यहीं पे हम लोग इसका ओरिजिन भी पढ़ लेंगे, उसके बाद इसका अपॉइंटमेंट, टेन्योर। अपॉइंटमेंट आप लोग जानते हैं नियुक्ति कैसे होती है, इसके बारे में जानेंगे। टेन्योर यानी कि कार्यकाल, क्या इसका कोई फिक्स्ड कार्यकाल है या नहीं। ये सेशन भी बाइलिंगुअल होगा ताकि दोनों भाषाओं के जो अभ्यर्थी हैं वो समझ सकें। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट डायमेंशन है, दैट इज फंक्शंस या रोल। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2 मार्कर 7 मार्कर और 10 मार्कर। तो केवल ये हेडिंग्स हम लोगों को कवर करना है। तो चलिए, देर किए हुए बिना हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम लोग बात करें चीफ सेक्रेटरी को, शॉर्ट में CS लिखूँगा, या हिंदी में इनको मुख्य सचिव कहते हैं, अभी वर्तमान में यह जो पोस्ट है ये राज्य सरकार में होती है, लेकिन जब इसका ओरिजिन हुआ तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होती थी और ब्रिटिश पीरियड में ही इसका ओरिजिन हुआ यानी इसकी उत्पत्ति हुई। यह जो पोस्ट है या पद है ये ब्रिटिश काल में उत्पन्न हुआ। तो अगर हम लोग बात करें ओरिजिन, इन 1799 में बाय लॉर्ड वेलेजली, उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेजली, वही लॉर्ड वेलेजली जो अपनी सहायक संधि के लिए जाने जाते हैं, सब्सिडरी अलायंस के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस पद को क्रिएट किया। अपने चीफ सेक्रेटरी के रूप में उन्होंने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया, या जो पहले ऑक्यूपेंट थे, चीफ सेक्रेटरी थे उस टाइम पे ब्रिटिश पीरियड में, वो थे GH Barlow। तो कभी आपको ये भी मेंशन करेंगे तो अच्छा रहेगा, द फर्स्ट ऑक्यूपेंट ये हम लोग ब्रिटिश पीरियड की बात कर रहे हैं, अभी ये राज्य में पद नहीं है। इन 1799 द फर्स्ट ऑक्यूपेंट वॉज GH Barlow। लेकिन लेटर ऑन यानी बाद में यह पोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट से हटा करके राज्यों में डाल दिया गया, यानी स्टेट गवर्नमेंट में शामिल कर दिया गया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड ही। और तब से आफ्टर इंडिपेंडेंस भी जो चीफ सेक्रेटरी का पोस्ट है वो कैसा पोस्ट है, वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि इसकी क्या पोजीशन होती है स्टेट गवर्नमेंट में, CS की क्या पोजीशन है, क्या उसका स्टेटस है, तो ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ सेक्रेटेरिएट। ये हम लोग बात कर चुके हैं जब मैंने आप लोगों को सेक्रेटेरिएट पढ़ाया था, कि वह सेक्रेटेरिएट या सचिवालय का कार्यकारी मुखिया होता है, हेड होता है, प्रमुख होता है। और सचिवालय क्या है, सचिवालय जो है जितने भी विभाग होते हैं उनका सभी का सम्मिलित रूप है, एक बिल्डिंग है जिस MP में, जिसको वल्लभ भवन के नाम से जानते हैं, और वहाँ सभी विभागों के सेक्रेटरी जो कि अपने अपने विभागों के एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं वहाँ बैठते हैं, मंत्रीगण भी बैठते हैं। तो मंत्री जो होते हैं आप जानते हैं कि वो राजनीतिक मुखिया होते हैं, जबकि सेक्रेटरीज जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक मुखिया होते हैं। लेकिन उन सभी प्रशासनिक मुखियाओं का भी जो चीफ होता है वो चीफ सेक्रेटरी होता है, वो हेड होता है।
ही इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, प्रशासनिक मुखिया है किस चीज़ का, वो पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, पूरे राज्य प्रशासन का वह प्रशासनिक मुखिया है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पूरे राज्य प्रशासन का वह प्रशासनिक मुखिया है। तो ये जो दो पॉइंट हैं, और इसी से एक पॉइंट हम और जनरेट होता है उसके पोजीशन के बारे में, ही स्टैंड्स एट द टॉप ऑफ या एट द अपेक्स ऑफ टॉप ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन हायरार्की, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव हायरार्की, यानी राज्य प्रशासन का जो पद सोपान है उसमें वो सबसे ऊपर होता है, सबसे टॉप पे आता है। जैसे अगर हम लोग बात करें स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन का, आप जानते हैं हायरार्की में इस तरह का कुछ बनता है, से अगर यूं देखा जाए तो अगर हम लोग मान लें कि ये डिस्ट्रिक्ट्स का है, तो डिस्ट्रिक्ट्स में कौन हेड होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उसके ऊपर डिवीजन्स होते हैं संभाग, और संभाग का मुखिया कौन होता है, डिविजनल कमिश्नर्स, और फिर यहाँ अगर सेक्रेटरिएट मान लिया जाए जहाँ पे सारे सेक्रेटरीज बैठते हैं, तो यहाँ पे सेक्रेटरीज होते हैं, तो इनके ऊपर भी कौन होगा, चीफ सेक्रेटरी, हालांकि रिटर्न फॉर्म में ये माना जाता है कि चीफ सेक्रेटरी जो होता है उन सेक्रेटरीज में के बराबर होता है, लेकिन फर्स्ट अमंग इक्वल्स, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है, व्यवहारिक रूप से वो उनसे सीनियर होता है और एक तरह से बॉस के रूप में ही काम करता है वो। तो हायरार्की में अगर हम लोग देखें तो यहाँ मतलब है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से, इसको डिप्टी कलेक्टर मत समझिएगा आप लोग, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, इसके नीचे आपको पता है कि SDMs और बाकी तहसीलदार वगैरह आते हैं, डिविजनल कमिश्नर देन सेक्रेटरीज देन चीफ सेक्रेटरी। तो चीफ सेक्रेटरी इस हायरार्की पे सबसे टॉप पे है पूरे राज्य प्रशासन के, तो उसकी पोजीशन अगर हम प्रशासनिक उसमें देखें ढांचे में तो सबसे ऊपर है। ये हो गया उसके पोजीशन के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में। और अगर MP चीफ सेक्रेटरी की बात करें तो हम लोगों को ये भी ध्यान होना चाहिए कि फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ MP कौन थे, ये आप लोग प्री के लिए भी पढ़ते हैं, ये मेंस में भी अब आ सकता है 2 मार्कर में, श्री HS कामत, ये ध्यान रखिएगा श्री HS कामत जो थे ये पहले चीफ सेक्रेटरी ऑफ MP थे। इनका जो कार्यकाल था वो था 1956 यानी फॉर्मेशन से लेकर के 1963 तक, 1 नवंबर 1956 से लेकर के 24 नवंबर 1963 तक लगभग 7 साल ये MP के चीफ सेक्रेटरी रहे। तो एक ये फैक्ट अपने को पता होना चाहिए। एक फैक्ट और पूछा जा सकता है कभी एग्ज़ाम में, फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी ऑफ MP श्रीमती निर्मला बुच, श्रीमती निर्मला बुच, और एट प्रेजेंट वर्तमान में जो कि सेकेंड वुमन CS ऑफ MP हैं, वुमन चीफ सेक्रेटरी ऑफ MP हैं, प्रेजेंट चीफ सेक्रेटरी ऑफ MP जो हैं वह हैं सुश्री वीरा राणा, जिनका अपॉइंटमेंट हाल ही में हुआ है। तो ये कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ MP जो अपने को याद होना चाहिए। तो ये हो गया। अब आता है अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट, तो चीफ सेक्रेटरी चोजन बाय, चीफ सेक्रेटरी इज चोजन बाय या अपॉइंटेड बाय, आप लिख सकते हैं चोजन बाय चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के द्वारा चीफ सेक्रेटरी चुना जाता है, कहां से, फ्रॉम
सीनियर आईएएस ऑफिसर्स, आईएएस ऑफिसर्स ऑफ स्टेट कैडर, यानी जैसे एमपी की बात करें तो एमपी के सीएम जो एमपी कैडर के आई सीनियर आईएएस ऑफिसर्स हैं उनमें से किसी एक को अपॉइंट कर सकते हैं। क्राइटेरिया कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, सीएम जिसे चाहें, जिस सीनियर आईएएस को चाहें वो चीफ सेक्रेटरी बना सकते हैं। जनरली एक दो क्राइटेरिया सीएम जो देखते हैं वो देखते हैं उनका सर्विस रिकॉर्ड और ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस ऑफ सीएम इन द, यहाँ इस लाइन का मतलब ये है कि जिस आईएएस में चीफ मिनिस्टर को भरोसा है उसे वो उस किस रूप में अपॉइंट करेंगे, चीफ सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट करते हैं, है ना। इसके लिए कोई फिक्स्ड क्राइटेरिया नहीं है, ये बात हमको ध्यान रखनी होती है। और यही कारण है कि जब भी सरकार बदलती है या सीएम बदलते हैं तो जनरली ये देखा गया है कि चीफ सेक्रेटरी चेंज हो जाते हैं लगभग सभी राज्यों में। तो ये हो गया अपॉइंटमेंट। टेन्योर की बात की जाए यानी कि कार्यकाल, टेन्योर या कार्यकाल, नो फिक्स्ड टेन्योर। कोई निश्चित कार्यकाल नहीं है चीफ सेक्रेटरी का या मुख्य सचिव का, जब तक सीएम चाहे उनको पद पे रखेंगे और जब चाहे वो हटा सकते हैं। हालांकि एआरसी फर्स्ट यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है ना, उन्होंने यह सिफारिश की थी एआरसी फर्स्ट ने कि चीफ सेक्रेटरी का कार्यकाल 3 से 4 साल का रखा जाना चाहिए, लेकिन इसको अमल में नहीं लाया गया, इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। तो अभी कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं है। तो ये हो गया हम लोग के जो छोटे ये 2 मार्कर्स से पूछे जा सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट हम लोग का डायमेंशन है दैट इज फंक्शंस या रोल। तो जब हम ये जानते हैं कि चीफ सेक्रेटरी जो है वो टॉप ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है, पूरे राज्य प्रशासन का हेड है वो, तो उसके जो काम होंगे वही बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं और फिर उसके अंदर भी समझेंगे उन हेडिंग्स के बारे में कि उन हेडिंग्स के अंतर्गत वो क्या क्या करता है। जैसे पहला अगर फंक्शन देखा जाए तो पहला फंक्शन के तौर पर हम लोग जानते हैं चीफ सेक्रेटरी का काम है ही एक्ट्स एज एन एडवाइजर टू सीएम। चीफ मिनिस्टर का वो एक सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं, कौन, चीफ सेक्रेटरी। किन किन मुद्दों पे वो सलाह दे सकते हैं, ऑन ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स, पॉलिसी मैटर्स या पॉलिसी इश्यूज, गवर्नेंस मैटर्स, गवर्नेंस के मुद्दों पे, नीतिगत मुद्दों पे या प्रशासनिक मुद्दों पे। चीफ सेक्रेटरी जो है सीएम को ये बात बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि अगर कोई नीति इम्प्लीमेंट की जाती है या किसी डिपार्टमेंट ने कोई नीति बनाई है उसके क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव इम्प्लीकेशंस होंगे या प्रशासनिक परिणाम हो सकते हैं फ्यूचर में। ये समझाने का जो दायित्व है वो किसका है, चीफ सेक्रेटरी का, एज एन एडवाइज़र ऑफ सीएम। तो सीएम के सलाहकार के रूप में ये उनके कार्य होते हैं। दूसरा फंक्शन हेड ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज। राज्य सेवा के मुखिया के रूप में वो कार्य करता है, कौन, चीफ सेक्रेटरी। और इस
रोल में या इस भूमिका में क्या क्या कार्य होते हैं चीफ सेक्रेटरी के, तो इसके अंतर्गत चीफ सेक्रेटरी डील्स विथ अपॉइंटमेंट, ट्रांसफर एंड प्रमोशन ऑफ स्टेट सिविल सर्वेंट्स। यानी राज्य सिविल सेवा के कर्मचारियों, राज्य सिविल सेवा के जो कर्मचारी हैं या स्टेट सिविल सर्वेंट्स हैं, उनकी नियुक्ति, उनके ट्रांसफर और उनके प्रमोशन से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेना का कार्य किसका होता है? चीफ सेक्रेटरी का होता है। चीफ सेक्रेटरी उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ही ऑल्सो मेंटेन्स मोरल ऑफ स्टेट सिविल सर्वेंट्स राज्य सिविल सेवकों के मोरल यानी उनका जो मनोबल है उसको ही बनाए रखना काम जो है किसका है? सीएस यानी चीफ सेक्रेटरी का है। तो ये दूसरा फंक्शन हो गया हम लोगों का। थर्ड, एक्ट्स एज सेक्रेटरी टू द कैबिनेट मंत्रिमंडल के सचिव के रूप में भी कार्य करते हैं चीफ सेक्रेटरी या मुख्य सचिव। आपको ये बात पता होगी कि केंद्र में भी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और राज्य में भी कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और उनका समूह पूरा क्या कहलाता है? कैबिनेट या मंत्रिमंडल। तो जो राज्य कैबिनेट है, स्टेट कैबिनेट, टू द स्टेट कैबिनेट लिखना ज़्यादा बेहतर होगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। अब सेक्रेटरी के रूप में जब वो स्टेट कैबिनेट का काम के लिए काम करेंगे तो क्या क्या काम करते हैं? प्रिपेयर्स, ही प्रिपेयर्स, कौन? चीफ सेक्रेटरी। चीफ सेक्रेटरी प्रिपेयर्स एजेंडा ऑफ द मीटिंग्स ऑफ कैबिनेट। कैबिनेट की मीटिंग का एजेंडा क्या होगा, किस बात पे चर्चा की जाएगी, यानी मंत्र कैबिनेट की जब बैठक होगी तो उसकी एजेंडा क्या होगा, ये इसको प्रिपेयर करना किसका काम होता है? इसको तैयार करना चीफ सेक्रेटरी का। कीप्स रिकॉर्ड, रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स प्रोसीडिंग्स एंड decisions taken in the cabinet meeting कैबिनेट की मीटिंग में जो भी कार्रवाई होती है और जो भी निर्णय लेते हैं उसका वो रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं, कौन? चीफ सेक्रेटरी यानी चीफ सेक्रेटरी का ऑफिस। थर्ड, ही टेक्स ऑल स्टेप्स टू इंप्लीमेंट द decisions taken by कैबिनेट, यानी कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णय को लागू करने के लिए वो सभी प्रयास करते हैं जो उनके स्तर पे हो सकता है। टेक्स स्टेप्स टू इम्प्लीमेंट डिसीजंस टेकन बाय कैबिनेट, कैबिनेट के द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए वो आवश्यक कदम उठाते हैं। तो एज अ सेक्रेटरी टू द कैबिनेट, ये उनका कार्य है किसका? चीफ सेक्रेटरी का। ये इंडिविजुअली भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आई थिंक फोर्थ पॉइंट होगा, जो भी आप देख सकते हैं। फोर्थ, एक्ट्स एज कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर या समन्वयक के रूप में कार्य करते हैं। समन्वयक
जब वो समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे तो क्या करेंगे? सीएस इज द चेयरमैन ऑफ कोऑर्डिनेशन कमेटी अपॉइंटेड फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स। यानी जो विभागीय विवाद होते हैं, जब उसको सुलझाने के लिए कोई समन्वय समिति बनाई जाती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि किसी भी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए दो या तीन विभाग इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनके बीच अगर किसी तरह का विवाद उत्पन्न होता है तो उसको सुलझाने के लिए एक समन्वय समिति का निर्माण किया जाता है, और उस समन्वय समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? चीफ सेक्रेटरी करते हैं। तो एज अ समन्वयक के रूप में इनका काम है कि ये जो इंटर डिपार्टमेंटल डिस्प्यूट्स होते हैं, इनको रिजॉल्व करने के लिए बनाई गई कोऑर्डिनेशन कमेटी को हेड करना। और भी काम होते हैं, जैसे प्रिजाइड्स द मीटिंग्स ऑफ सेक्रेटरीज ऑफ द डिपार्टमेंट्स। अलग अलग विभागों के सेक्रेटरीज की जो मीटिंग्स होती है, उसकी अध्यक्षता करना भी चीफ सेक्रेटरी का काम है, क्योंकि उसमें ऐसे मुद्दे, विवादित मुद्दे उठते हैं, है ना। जब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स या डिविजनल कमिश्नर्स की मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो उसकी अध्यक्षता भी चीफ सेक्रेटरी करते हैं। तो ये पॉइंट भी हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, प्रिसाइड्स ओवर कॉन्फ्रेंसेस ऑफ डिविजनल कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स। तो जब इस तरह की मीटिंग्स में भाग लेंगे तो समन्वयक के रूप में भाग लेते हैं या कोऑर्डिनेटर के रूप में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट जो फंक्शन हम लोग डिस्कस कर सकते हैं वो है एक्ट एज क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर। यानी आपदा प्रबंधक के रूप में कार्य करना, चीफ आपदा प्रबंधक के रूप में कार्य करना कह सकते हैं। जब भी कोई आपदा आती है तो उनका काम होता है जितने भी अधिकारीगण उसमें इन्वॉल्व हैं उनको लीड करना, उनको गाइड करना, उनको मॉनिटर करना। तो इन केस ऑफ क्राइसिस या डिजास्टर, ही लीड्स, गाइड्स एंड कंट्रोल ऑल ऑफिसर्स एंड एजेंसीज इन्वॉल्व्ड इन रिहैबिलिटेशन वर्क। यानी जो भी अधिकारी, कर्मचारी, एजेंसीज आपदा प्रबंधन में लगी हुई हैं, आपदा पुनर्वास में लगी हुई हैं, उन सभी को नेतृत्व प्रदान करना, उनका नियंत्रण करना, उनको मार्गदर्शन देना, तो इस रूप में भी वो क्राइसिस एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कार्य करती हैं। इसके अलावा और भी उनके कार्य हैं, जैसे एक्ट्स एज रेसिडुअल लीगेटी। इसका मतलब है जो डिपार्टमेंट किसी के पास नहीं है, किसी के पास चार्जेस नहीं है उसके, वहाँ के ऊपर अधिकार किसका होता है? चीफ सेक्रेटरी का होता है। उस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी माना जाता है, उस पर चीफ सेक्रेटरी के ही आदेश
चलेंगी, पर्टिकुलरली हेड करेगा उस डिपार्टमेंट को, यानी जो किसी के पास नहीं है वो सब चीफ सेक्रेटरी के पास है। होता ना, जैसे सीएम ने जो विभाग किसी को अलॉट नहीं किया है वो विभाग सीएम के पास होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी ये है। इसके अलावा ही एक्ट्स एज सेक्रेटरी टू जोनल काउंसिल्स, ऑन रोटेशन बेसिस। रोटेशन बेसिस पे जोनल काउंसिल्स के वो सचिव होते हैं। जोनल काउंसिल्स के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये 6 हैं इनकी संख्या, और एमपी जो है सेंट्रल जोनल काउंसिल में आता है, जिसमें कि यूपी भी है, छत्तीसगढ़ भी है, उत्तराखंड भी है। तो बारी बारी से इनके जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं इस जोनल काउंसिल के सचिव होते हैं, और जोनल काउंसिल का जो हेड होता है वो यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, है ना, उस चेयरमैन, और वाइस चेयरमैन जो होते हैं वो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं रोटेशन बेसिस पे। तो ये फंक्शंस हैं जो हमें याद रखना चाहिए जो चीफ सेक्रेटरी के बारे में पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस भी, ये एक तो डिस्क, एक बड़ा क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लिए, डिस्कस द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, और इसके अंतर्गत ये सारी बातें आपको लिखनी है, उसके शुरुआत से लेकर के उसको अपॉइंटमेंट कैसा है। यहाँ पे क्वेश्चन में इन द एमपी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन लिखा जा सकता है राज्य के संदर्भ में, तो ये सारी बातें आपको लिखनी है। बाकी 2 मार्कर में हु वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ एमपी, हु वॉज द फर्स्ट वुमन चीफ सेक्रेटरी ऑफ एमपी, यानी कौन महिला सचिव मुख्य सचिव था, उसकी उनकी नियुक्ति कौन करता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया है। कोई क्राइटेरिया नहीं है, केवल मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होना चाहिए, मुख्यमंत्री को उस व्यक्ति में भरोसा होना चाहिए। हाँ, वो आईएएस कैडर का होता है, इसमें कोई शक नहीं है, आईएएस ही बनते हैं चीफ सेक्रेटरी। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 7 मार्कर में डिस्कस द रोल ऑफ चीफ सेक्रेटरी एज एन एडवाइजर टू सीएम, राज्य के मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में चीफ सेक्रेटरी का भूमिका का वर्णन करिए। तो ये प्रश्न बन सकते हैं, इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और इससे अपना काम हो जाएगा। तो इस टॉपिक, इस डिस्कशन में इतना ही। अगली क्लास में, अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक एमपी एडमिनिस्ट्रेशन का। थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।